गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एन्चेंटेड पूल। दिस लेसन द एन्चेंटेड पूल इज रिटन बाय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। लेखक के बारे में जानते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को आप राजा जी या सी आर के नाम से जानते हैं। सी आर वॉज एन इंडियन लॉयर। वह एक भारतीय वकील, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पॉलिटिशियन एंड राइटर, राजनेता तथा लेखक थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्रता पार्टी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। फाउंडर मीन्स संस्थापक। वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। वह पहले प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न, दिया गया था। ही वॉज आल्सो निकनेम, उनका उपनाम एस मार्गो ऑफ सबीर था। ही रोट एन एब्रिज्ड रिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश। उन्होंने महाभारत का एब्रिज्ड फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म लिखा था। ही वॉज डीपली रिलीजियस एंड अ पायस पर्सन। वह एक बहुत ही धार्मिक तथा पवित्र व्यक्ति और वेदों तथा उपनिषद के अनुसरणकर्ता या फॉलोवर थे। रिचर्ड कैसी द फेवरर ऑफ From 1944 to 1946, regarded Raja Ji as the wisest man in India. Richard Casey एक लेखक थे जिन्होंने सी आर गोपालचारी राजगोपालाचारी को भारत का सबसे बुद्धिजीवी या बुद्धिमान व्यक्ति कहा था। किसने कहा था? रिचर्ड कैसी ने सी राजगोपालचारी को सबसे बुद्धिजीवी या बुद्धिमान व्यक्ति कहा था। आइए अब लेसन के बारे में जानते हैं। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यह प्रस्तुत पाठ आपका द एन्चेंटेड पूल महाभारत से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। यह युधिष्ठिर के कैरेक्टर्स को व्यक्त या रिफ्लेक्ट करता है। युधिष्ठिर द धर्मराज। युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से भी जाना जाता था। हिज पेशेंस, यह लेसन उनके पेशेंस, धैर्य, काइंडनेस, दयालुता, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस को बताता है। इस लेसन में लेखक ने धर्मराज युधिष्ठिर के धैर्य, दयालुता तथा उनके भाइयों के प्रति प्रेम और बुद्धिमत्ता को बताया है। ही प्लीजेज यक्षा बाई गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चन। धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्षराज के सभी सवालों का
सही और संतोषजनक जवाब देकर उसे प्रसन्न कर दिया। द यक्ष वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी। यक्ष जो था युधिष्ठिर के निष्पक्षता या इम्पार्शियलिटी से प्रभावित हुआ। द यक्ष वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। जो यक्ष था वह यमराज था जो युधिष्ठिर के सामने यक्ष का भेष बनाकर आया था। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिज नॉलेज। बीइंग सैटिस्फाइड विथ हिज आंसर। उनके जवाब से प्रसन्न होकर संतुष्ट होकर ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपीयर्ड। ही मीन्स यक्ष ने उन्हें आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया और पुनः गायब हो गया। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों का प्यास और चिंता से व्याकुल होकर इंतजार किए और उन्होंने कहा, कैन दे हैव बीन सब्जेक्ट टू अ कर्स और आर दे स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। और वह इस बात की सोच में पड़ गए कि क्या उनके भाइयों को जंगल में जल मिला या भटक रहे हैं वो लोग। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। क्या वे लोग फेंटेड बेहोश हो गए या प्यास से उनकी मृत्यु हो गई। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स। ऐसे नकारात्मक विचारों से परेशान होकर एंड ड्रिवन बाय द ओवरपावरिंग थर्स्ट। प्यास से व्याकुल होकर ही गेव अप वेटिंग। उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया एंड स्टार्टेड आउट। निकल पड़े टू लुक फॉर खोजने हिज ब्रदर्स। वो अपने भाइयों की खोज में निकल पड़े एंड द पुल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। और उस पुल यानी तालाब की तलाश में निकल पड़े जहां वो अपने भाइयों को खोज सकें। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन। युधिष्ठिर आगे बढ़े इन द डायरेक्शन उसी दिशा में हिज ब्रदर्स हैड टेकन जिधर जिस दिशा में उनके भाई लोग गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स और रास्ते पर चलते रहे फुल ऑफ वाइल्ड बियर और जंगल के रास्ते जंगली भालुओं स्पॉटेड बियर स्पॉटेड डियर चित्तीदार डियर मीन्स हिरन बिग फॉरेस्ट बर्ड और बड़ी बड़ी जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटिफुल ग्रीन मीडो। मीडो मीन्स चारागाह। फिर वह चारागाह के पास आए एक हरी भरी चारागाह या घास के मैदान के पास पहुँचे। अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर और उस चारागाह के पास एक स्वच्छ जल से भरा हुआ तालाब था। बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर्स। लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा कैसे देखा। लाइंग देयर लाइंग अ फ्लैग पोल्स जो वहाँ पर मूर्छित पड़े हुए थे। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ। रेस्ट्रेन मीन्स रोकना। वो अपने दुख को रोकने में अनेबल थे असमर्थ थे। ही लिफ्टेड हिज वॉइस। वह चिल्ला पड़े एंड वेप्ट और रोने लगे। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुना। उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छू कर देखा। एज दे ले सो स्टिल और वे लोग स्टिल माने शांत साइलेंट मीन्स मौन पड़े हुए थे। एंड मोर्न्ड MOURNED मोर्न्ड और रोने लगे। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वाउज। क्या हमारी तपस्या क्या हमारी शपथ क्या हमारी कसम का यही अंत होने वाला था। जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड। जब हमारा एग्जाइल मीन्स बनवास ख़त्म होने को है। यू हैव बीन टेकन अवे।
यू मीन्स चारों भाई हैव बीन टेकन अवे, छीन लिए गए हैं या मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून मीन्स दुर्भाग्य, मेरे दुर्भाग्य में ईश्वर भी मेरा साथ छोड़ चुके हैं। फॉरसेकन मीन्स छोड़ देना या त्यागना।